गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अभी मॉर्निंग हुई है तो मेरा गला थोड़ा थोड़ा बैठा है। एंड मैं मॉर्निंग में क्या लेती हूँ आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है तो मैं अब डाइटिंग कर रही हूँ। तो मैं मॉर्निंग में क्या क्या लेती हूँ वो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बस चलिए चलते हैं। तो किचन में मैं आ गई हूँ और मैं लेती हूँ एक काढ़ा। मैं वो काढ़ा एक गिलास पानी में रात में भिगो देती हूँ एंड उसके बाद मैं उसको पकाती हूँ। जब वो एक गिलास से आधा गिलास हो जाता तब वो काढ़ा मैं लेती हूँ। तो बस चलिए चलते हैं। तो ये है वो काढ़ा, अब इसको मैं पकाऊंगी और जब ये आधा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको लूँगी और इसके साथ मैं लूँगी गर्म पानी। जब तक मेरा काढ़ा उबल रहा है मैं जा रही हूँ थोड़ी देर परी के साथ खेलने। परी परी, हाँ परी की मॉर्निंग हो गई है, इधर देखो। ओ डांस कर दो, डांस कर दो। अरे गुड गर्ल, क्लैपिंग कर दो जल्दी से परी। और गुड गर्ल, और क्लैपिंग क्या और क्या करती, बुलाओ, आओ आओ बुलाओ, आओ आओ। नहीं नहीं कर, नहीं 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 नहीं। और गुड गर्ल परी, गुड गर्ल, और बाय कर, बाय आओ, नहीं बाय। तो बस ये पक गया है, आधा हो गया है और ये लूँगी, उसके बाद मैं करने जा रही हूँ गर्म पानी। पानी हमने गर्म करने के लिए रख दिया है 30 सेकेंड और एंड 1 मिनट के लिए मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरा काढ़ा भी गर्म होता है तो मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी लेती हूँ। और ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है बट ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है इसलिए मैं इसको ज़रूर लेती हूँ। हाँ, वीक में 1-2 दिन मैं स्किप कर देती हूँ इस काढ़े को, क्योंकि लगातार नहीं लेना चाहिए। और ये देखिए ये काढ़ा है एंड इसका कोई नाम नहीं इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ। तो बस ये मेरा पानी भी गर्म हो गया है, अब मैं जा रही हूँ अपना काढ़ा लूँगी एंड पानी। काढ़ा इतना ज़्यादा कड़वा होता है कि फर्स्ट बाइट पीते ही मूड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है एंड बासी मुँह इस काढ़े को पीना होता है। तो जब आप रात में सोइए, सुबह उठिए और कोई भी कड़वी चीज़ आपको पीने को मिले तो कैसा लगता है, बट ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो मैं इसको ज़रूर लेती हूँ। और इधर परी खेल रही है और मैं अपनी देवरानी से बात करते जा रही हूँ, अपना काढ़ा पी रही हूँ, क्योंकि जब आप गर्म पानी पीजिए काढ़ा पीजिए तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस मैं बातें कर रही हूँ और अपना काढ़ा पीने के बाद मैं तुरंत पीती हूँ गर्म पानी और उसके बाद मैं लेती हूँ लेमन वाटर आधे घंटे के बाद। तो बस उसके पैर, और मैं कितनी ज़्यादा मेरा बाल फैला हुआ गंदा लग रहा है, क्योंकि सो के उठिए तो जो हेयर कट होता है बाल आगे पीछे सब निकल आता है एंड मुझे अपना हेयर कट भी कराना है बट लॉकडाउन की वजह से मैं अपना हेयर कट भी नहीं करा पा रही हूँ। और आगे जो हेयर कट होता है मेरा, हेयर स्टाइल में आगे की जो कटिंग होती है मैं उसे घर पे बिल्कुल नहीं छेड़ती हूँ। तो जब मैं अपना पूरा हेयर मैं कैसे केयर करती हूँ उसका मैं ब्लॉग डालूँगी, तो मैं उसमें अपना पीछे का हेयर कैसे कट करती हूँ वो मैं उसमें मैं वो भी डालूँगी बट आगे के हेयर को मैं बिल्कुल टच नहीं करूँगी। मैं जब जाऊँगी बाल कट कराने तो मैं कराऊँगी, अभी तो फ़िलहाल नहीं जाऊँगी जब तक लॉकडाउन है। तो बस आधा घंटा हो गया था मैंने अपना पानी ख़त्म कर दिया था, उसके बाद आधे घंटे के बाद मैं अपना लेमन वाटर बनाने आ गई हूँ। तो जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ पूरा नेट 1 घंटा मुझे इन सब चीज़ों में लग जाता है, क्योंकि काढ़ा पीने के बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ उसके तुरंत बाद मैं लेमन वाटर नहीं पी सकती हूँ, आधे घंटे के गैप के बाद ही मैं लेमन वाटर पीती हूँ। तो बस मैं अपना बना रही हूँ लेमन वाटर।
एंड वाटर को भी मैं गर्म पानी में ही बनाती हूँ। मैं एक गर्म मैंने माइक्रोवेव में अपना पानी गर्म किया, इतना गर्म होता है जिसको मैं इजीली पी लेती हूँ। तो बस मैं फिर परी के पास जाके बैठ जाऊँगी, क्योंकि लेमन वाटर पीने में भी मुझे टाइम लगता है। तो बात करते हुए मैं जब पीती हूँ बहुत जल्दी कम्प्लीटली ख़त्म कर देती हूँ। तो बस मैं इन्जॉय कर रही थी अपना लेमन वाटर। जब आप एक से दो लोग रहिए बातें करिए तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो जब मैं ये मुझे पानी पीना होता है, काढ़ा पीना होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं इसको जल्दी कंप्लीट ख़त्म कर दूँ। बट थोड़ा सा सिप ले लेके पीना चाहिए, और स्पेशली जब आप पानी पीजिए या लेमन वाटर पीजिए, आप आराम से बैठ के और सिप ले लेके पीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप खड़े होके पानी पीते हैं तो आपका पेट निकल आता है। तो जब भी आप कभी पानी पीजिए या लिक्विड की कोई भी चीज़ पीजिए तो आप बैठ के पीजिए। बस दूध एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खड़े होके पीना चाहिए। तो जब मैं पानी पीती हूँ, नॉर्मल भी पानी पीती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं बैठ के पीऊँ। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ इन सब चीज़ों का, और जब मैं थोड़ी सी केयर करना बंद कर देती हूँ तभी मेरे साथ प्रॉब्लम होती है। एंड जब कोई गेस्ट आता है, थोड़ी सी काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान बिज़ी हो जाता है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। तो बस यही हुआ मेरे साथ। और लॉकडाउन में घर में इतनी सारी चीज़ें बनने लगी, तो मैं थोड़ी सी फूडी हूँ तो मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि मेरे मायके में मम्मी लोग बनाती थी तो बचपन से आदत होती थी। बट मैं कभी भी मोटी नहीं होती थी बहुत ज़्यादा, बट अब मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, हल्का सा मेरा फैट बढ़ता है तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उसको ख़त्म कर दूँ। और जब तक मैं कम नहीं कर लेती हूँ मेरा मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, नहीं मुझे ख़त्म करना है, मैं पीछे पड़ जाती हूँ। और हाँ, आपका वेट थोड़ा सा भी बढ़े, आप जितनी जल्दी हो उसको कवरअप कर लीजिए, तो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मैं इसीलिए वेट मशीन लेके आई ताकि मैं अपना वेट चेक करती रहूं, और इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है कि नहीं आपका 1 किलो 2 किलो वेट बढ़ा है तो आप उसको बहुत जल्दी कवरअप कर लीजिए। तो मैं सबसे पहले मैं वेट ज़रूर चेक करती हूँ, वीक में एक बार तो मैं ज़रूर चेक करती हूँ अपना वेट। तो बस मेरा लेमन वाटर कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था। तो बस मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ नाश्ता, एंड बहुत ही हल्का लेती हूँ मैं मॉर्निंग में, एक एप्पल। एंड मैं हर दिन चेंज कर करके लेती हूँ, कभी ओट्स का चिल्ला। तो आज मैं मसाला ओट्स बनाऊँगी सिंपल सा, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं हो रहा है। और दूसरे दिन मैं बनाती हूँ ओट्स चिल्ला, और कभी रवा चिल्ला, चेंज कर करके बनाती हूँ। तो आज मैं सिंपल सा बनाऊँगी अपने लिए मसाला ओट्स, जो पाउच में आता है। तो ये है मसाला ओट्स, और मैं ये बनाऊँगी एंड अपने लिए कट करूँगी एप्पल। मैं बनाने जा रही हूँ मसाला ओट्स, तो जिसके लिए मैंने 1 गिलास पानी डाला है, और मुझे पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। एक्चुअली मैं ये फ़र्स्ट टाइम मसाला ओट्स खाने जा रही हूँ एंड बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले सिंपल ओट्स खाती थी, सादा वाला ओट्स मैं लेके आती थी, एंड मैं उसको शक्कर डाल के नहीं बनाती थी, मैं दूध डाल के बनाती थी, और मैं उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देती थी, थोड़ा सा गुड़ या कभी हनी हो तो हनी मैं डालती थी। आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ मसाला ओट्स, और इसकी स्मेल से ही लग रहा है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, क्योंकि और मुझे ये भी नहीं पता इसमें कितना ज़्यादा पानी लगेगा, तो मैंने थोड़ा सा पानी निकाल लिया है। और जैसे जैसे ये बनेगा, अगर पानी कम लगेगा मैं इसमें और डाल दूँगी। एंड मेरे हस्बैंड भी जग रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी, अपने लिए और उनके लिए मसाला ओट्स बना रही हूँ। मैं थोड़ा ही लूँगी और थोड़ा बोलेंगे, और हम दोनों के लिए हम लोग एप्पल कट करेंगे। मैं अपना एप्पल बिना छिलके का मैं खा लेती हूँ, मैं छिलके सहित खा लेती हूँ, एंड उनको छिलका निकाल के खाना होता है, तो मैं उनके लिए छिलका निकाल दूँगी। हाँ, इधर मेरा ओट्स बन गया है, तो बस ये मैं अपने हस्बैंड और अपने लिए निकाल रही हूँ।
तो ये मैं अपना छिलके वाला ही खाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, एंड मैं छिलका नहीं निकालती हूँ। मेरे हस्बैंड का लिए मैं कट करती हूँ तो उनके लिए छिलका निकाल देती हूँ एप्पल का। तो ये हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट है एप्पल एंड ओट्स। बस मैं जा रही हूँ उसको एंजॉय करने। तो मसाला ओट्स बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत अच्छा था, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एंड मैं अपने लिए और मंगाऊंगी और ज़रूर ट्राई करूंगी। और बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, तो कभी कभी मैं बेसन का चिल्ला बना लेती हूँ या ओट्स दूध वाला ओट्स खा लेती हूँ। और एप्पल तो मैं ज़रूर लेती हूँ। जब आप कभी भी अपने वेट को लूज़ करना हो तो आप बासी मुँह, मतलब सबसे पहले नहाने के बाद आप एप्पल खाइए, तो वो मैं ज़रूर लेती हूँ। हाँ, जब नहीं हो घर में तो स्किप कर देती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ एप्पल ज़रूर लूँ। तो बस मैं इनसे कर रही थी बातें और ये तो अपने फ़ोन में लगे हुए थे और मैं ही बोले जा रही हूँ। आज मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और कुछ दिन से मैं अपने इसी रूटीन को फॉलो कर रही हूँ, मॉर्निंग रूटीन को, और आप लोग प्लीज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होता, बहुत इफेक्टिव होता है, सॉरी मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप वॉक कीजिए, आप 1 घंटे वॉक कीजिए, आपका वेट बहुत जल्दी होगा, ये बहुत ज़्यादा सही होता है। मैं जब भी मुझे लगता है मेरा वेट बढ़ गया है तो मैं सबसे ज़्यादा यही करती हूँ, वॉक करती हूँ। अगर आपके पास किसी का फ़ोन है तो आप उसको टहलते हुए, वॉक करते हुए बात कीजिए, इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे। एंड डाइट पे तो कंट्रोल करना ही चाहिए, जितना हो सके आप अपनी डाइट पे कंट्रोल कीजिए। एंड मसाला ओट्स खाइए, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा होता है। कभी मीठा ओट्स खाइए, कभी ओट्स का चिल्ला बना लीजिए, कभी आप बेसन का चिल्ला बनाइए। और रात में 8 बजे के बाद आप कोशिश कीजिए कि नमक ना लें, 8 बजे से पहले ही लंच, डिनर एंड अपना ब्रेकफास्ट सब टाइम टू टाइम कीजिए। देखिए आपका वेट बहुत जल्दी कवरअप हो जाएगा, बहुत जल्दी आप जूझ जाते हो जाएगा। तो मुझे, मैंने टारगेट बनाया है कि 10 से 15 दिन में मुझे अपना 2 kg वेट घटाना है, तो मैं बस उसको ही फॉलो कर रही हूँ। एंड 3-4 दिन में मुझे अपना रिजल्ट दिख गया है, मैंने 1 kg किया है, वेट कम किया है, मेरा हो गया था 61 और इस टाइम है मेरा 60, तो मुझे करना है 58। जब मेरा 58 वेट होता है, परफेक्ट होता है, तो बस मुझे अपना 58 करना है।
एंड अब मैं इसको ही फॉलो करूँगी, एक महीने करूँगी। एक दिन मैं चीट डे रखती हूँ जिस दिन मैं सब कुछ खा सकती हूँ, बट मैं अभी इस टाइम नहीं रख रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं राइस नहीं खाती हूँ, मैं सब खाती हूँ, बट आप एक क्वांटिटी में खाइए। अपने खाने को अच्छे से आप चबा के खाइए, खाना खाइए तो टाइम दीजिए कि हाँ थोड़ा सा टाइम दे के अच्छे से चबा के छोटी छोटी बाइट लेके खाइए। इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान देंगे, आपका वेट बहुत जल्दी परफेक्ट और लूज हो जाएगा। तो बस इतना ही, आगे मेरा आने वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो बस मैं आज अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, बाय।